मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अड्डा प्लस। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले 20 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। और फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारे पार्क जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन्हें ज़रूर इसे याद कर लें अगर आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी दिया हुआ है, आपको अगर चाहिए तो PDF वहाँ से डाउनलोड कर लें। और हमारे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ उससे जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेशनल पार्क। जिसे सबसे पहला नेशनल पार्क है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नेशनल पार्क कौन सा है, तो यह है जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड में है। सबसे पहला पार्क भारत का यही है। दूसरा है, जिम कार्बेट का पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम जो है वो है हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क जो है ये जिम कार्बेट का ही पुराना नाम है। तीसरा क्वेश्चन है कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और देश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भी 563 के करीब में जो मध्य प्रदेश में है वो बाघ है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है हिमिस। और हिमिस कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है, तो ये फैला हुआ है 3568 किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े में साइबेरिया सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं, तो ये दिखाई पड़ते हैं केवला देव घाना पक्षी बिहार राजस्थान। ये केवला देव घाना पक्षी जो है यहीं पे नेशनल पार्क में ये दिखाई पड़ता है साइबेरिया पक्षी, और ये राजस्थान में है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो सरिस्का बाघ भारत के बाघ का अभ्यारण्य जो है ये 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी तरह से आठवां क्वेश्चन है, भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना, ये कान्हा नेशनल पार्क है, ये 1995 में था। इस तरह से कार्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना, मतलब कि कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो है 1957 में की गई। इसी तरह से दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई, उसकी स्थापना जो 1958 में की गई, और दुधवा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये 1968 में की गई। इस तरह से रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस की गई, कब की गई, बांदीपुर जो है ये नेशनल पार्क है, 1973 में की गई थी। मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1973 में की गई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर भी जो है 1973 में ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये भी 1973 में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, मतलब पलामू नेशनल पार्क की स्थापना जो 1973 में की गई थी। 17वां क्वेश्चन है, सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1973 में ही सुंदरवन की, और ये जो है पश्चिम बंगाल में है, और ये जो है ये सुंदरवन फेमस है मैग्रोव वन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई, तो पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है तो 1900 जो है नागा अर्जुन बांध, ये नागा अर्जुन सागर की स्थापना ये जो है 1962 में की गई थी। थैंक यू फ्रेंड्स, सॉरी 1982 में की गई थी।